बकाए भुगतान को लेकर मिल श्रमिकों ने किया प्रदर्शन। चीनी मिल की गेट पर हुई बैठक। आप देख रहे हैं जनमंच खबर। बकाए भुगतान को लेकर चीनी मिल श्रमिकों एवं किसानों की बैठक पूर्व विधायक दीननाथ कुशवाहा की अध्यक्षता में शुक्रवार को मिल गेट पर आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक दीननाथ कुशवाहा ने कहा कि वर्ष 1996 से बंद पड़ी इस चीनी मिल पर किसानों एवं मिल श्रमिकों का 24 करोड़ से अधिक का बकाया है, जिसके भुगतान में लगातार हिलाहवाली की जा रही है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश पर उप श्रमायुक्त गोरखपुर द्वारा 6 माह पूर्व 13.42 करोड़ से अधिक की आरसी जारी की गई थी। तहसीलदार देवरिया के नाम जारी इस आरसी में एक पखवाड़े के अंदर कानपुर शुगर वर्क्स की संपत्ति नीलामी कर किसानों मिल श्रमिकों के बकाए भुगतान की बात कही गई थी, परंतु मिल प्रबंधन एवं प्रशासनिक मिलीभगत से इसे वापस करा दिया गया। श्रमिक नेता ऋषिकेश यादव ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाद में बंद पड़ी गौरी बाजार चीनी मिल की समस्याओं से अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री के आदेश पर प्रदेश के प्रमुख सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा हस्तक्षेप एवं जांच के बाद दोबारा आरसी जारी कर दी गई, जिसके आधार पर इस चीनी मिल की चल एवं अचल संपत्ति कुर्क कर देय बकायों के भुगतान की बात कही गई है। बकाए भुगतान को लेकर मिल श्रमिकों एवं किसानों के लगातार प्रयास के बावजूद बकायों के भुगतान में लगातार हीलाहवाली की जा रही है। वक्ताओं ने कहा कि बकाए भुगतान तक उनका यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। बैठक को गणेश लाल श्रीवास्तव, छेदी सिंह, कपिल देव यादव, कन्हैया यादव, दिनेश कुशवाहा, हंसराज गौतम, अदालत अली, राम वृक्ष प्रधान, छोटू यादव, कौशल किशोर सिंह, रामाज्ञा चौहान, शहाबुद्दीन, बलभद्र पांडे आदि दर्जनों लोगों ने मुख्य रूप से संबोधित किया। देवरिया के गौरी बाजार से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, खबरों को शेयर करना ना भूलें। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जुड़े रहें जनमंच खबर के साथ।